नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ड्रिप इरिगेशन में जो फिल्टर का इस्तेमाल होता है तो वह फिल्टर पाइपलाइन में कहाँ लगवाना चाहिए। मतलब इसके पहले कई वीडियो में हमने आपको फिल्टर के अलग अलग प्रकार और वो फिल्टर कैसे इस्तेमाल करना या आपका पानी का जो सोर्स है उस हिसाब से फिल्टर का चुनाव कैसे करना यह सारी जानकारी दी है। तो यह वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी फिल्टर आपने चुना है वह कहाँ लगवाना चाहिए और जहां आप लगवाएंगे उस हिसाब से आपका खेत में या ड्रिप में क्या फर्क गिरेगा। तो जो कोई किसान भाइयों ने पहले हमारी जो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जरूर देखें कि जो वीडियो में हमने बताया है कि फिल्टर कितने प्रकार के आते हैं, प्राइमरी फिल्टर मतलब क्या, सेकेंडरी फिल्टर मतलब क्या, या जो सैंड फिल्टर है, शंकु फिल्टर है, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, स्क्रीन फिल्टर, डिस्क फिल्टर, प्राइमरी फिल्टर के बाद सेकेंडरी फिल्टर लगवाना क्यों जरूरी है, तो यह सर्व जब वो पिछले वीडियो देख लेंगे तो यह सारे सवालों के जवाब उनको मिल जाएंगे। यह वीडियो में हम आपको सिर्फ बताने वाले हैं कि फिल्टर कहाँ लगवाना चाहिए। लेकिन वीडियो चालू करने के पहले मैं सभी किसान भाइयों को हर वीडियो के मैं जैसा एक सवाल पूछता हूँ वो सवाल यह वीडियो में भी पूछने वाला हूँ और मैं अपेक्षा करूंगा कि सभी किसान भाई यह सवाल का जवाब कमेंट में जरूर देंगे। सवाल ऐसे है कि आप अगर ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करते होंगे तो फिल्टर का इस्तेमाल करते हो क्या? अगर करते होंगे तो कमेंट में हाँ या यस बोलना है, अगर नहीं करते होंगे तो ना या नो बोलना है। जवाब जरूर दीजिए क्योंकि यही सब जवाब देख के या यही सब आंकड़े लेके हमको भी पता चलता है कि किसान भाई के तरफ क्या सिचुएशन है, ग्राउंड लेवल में क्या क्या चल रहा है, किसान भाई सच्ची में फिल्टर का इस्तेमाल कर रहे या नहीं कर रहे, कर नहीं रहे तो क्यों नहीं कर रहे, इस हिसाब से। तो जरूर जवाब दीजिए। सवाल ऐसा है कि आप अगर ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते होंगे तो फिल्टर का इस्तेमाल कर रहे या नहीं कर रहे, चाहे फिल्टर कोई भी प्रकार का हो। तो अगर आप करते होंगे तो जवाब हाँ या यस बोल सकते हो कमेंट में, अगर नहीं इस्तेमाल करते होंगे तो ना या नो बोल सकते हो। तो चालू करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका खेत है और ये आपका कुआ है और इस हिसाब से आपने एक मेन पाइपलाइन डाली रहती है, ठीक है, और आपने यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन किया रहता है, ये सब ड्रिप इरिगेशन आपने किया रहता है इस तरीके से। तो अभी देखिए फिल्टर कहाँ लगवाना चाहिए। तो देखिए फिल्टर वहां लगवाना चाहिए जहां पे आपको, मतलब कई खेत मैंने देखे या हमारे भी जो खेत है तो खेत में एक जगह ऐसी रहती है कि वहां पे हर कोई किसान हमेशा जाता है या खेत में जब भी जाता है तो वही मतलब बैठते हैं या खाना खाने तो वही खाते हैं, ठीक है, या वहां छोटी सी रूम बनाई रहती है तो वहां पे अगर बाजू में वहीं पे आपका हो सकता है कि कुआ ही है तो वहां पे आपने फिल्टर लगवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे कि फिल्टर के ये कोपरे में लगवा देंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे उसको साफ करना, क्योंकि फिल्टर सिर्फ लगवाना जरूरी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे किसान भाइयों की गड़बड़ होती है। मैंने आज यह वीडियो बनाने के पहले काफी रिसर्च किया और कहीं यूट्यूब चैनल पे यह वीडियो देखे कि फिल्टर के बारे में कुछ है क्या, तो वहां पे बताया गया था कि फिल्टर चार चार दिन में, आठ आठ दिन में, 15-15 दिन में साफ करना चाहिए। अगर मतलब कुआ है तो फिल्टर लगवाना जरूरी है, अगर बोरिंग है तो लगवाना जरूरी नहीं है, लेकिन ये गलत है। पानी का सोर्स कौन सा भी हो फिल्टर लगवाना जरूरी है और फिल्टर कितने समय के बाद साफ करना चाहिए इसके लिए एक तरीका है, वह ऐसा है कि किसान भाई ने ही ढूंढना चाहिए कि अपने खेत में जो भी फिल्टर लगवाया है वो कितने टाइम में जाम हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि यह एक फिल्टर लगवाया है, ठीक है, और किसान भाई ने जब शुरुआत में क्या करना चाहिए कि फिल्टर लगवाने के बाद दो घंटे बाद चेक करना चाहिए, अगर दो घंटे में वहां पे गंदगी मिल रही है तो फिर एक घंटे बाद चेक करना चाहिए ऐसा, और अगर नहीं मिल रही है तो चार घंटे बाद, छह घंटे बाद, और यह समय तय करना चाहिए कि साधारण कितने समय में फिल्टर चॉकअप हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा है किसान भाई को ऐसा लगता है कि जब बैक प्रेशर बढ़ता है तभी फिल्टर साफ करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से दिन में कम से कम दो बार,
या एक बार तो भी तो फिल्टर साफ करना चाहिए। और जहां पे गंदगी ज्यादा है, मतलब कोई किसान भाई होगा कि उनके पास कुछ पानी में ज्यादा गंदगी है, उनके फिल्टर दो दो घंटे में चौकअप हो जाते हैं, तो उनको दो घंटे में फिल्टर साफ करना जरूरी है। तो यह चीज बहुत जरूरी है कि फिल्टर सिर्फ लगवाना नहीं है, उसको साफ भी करना है। और अभी देखिए, मान लीजिए कि ये प्लॉट है, यहाँ पे कुआ है, फिल्टर लगवाया है, तो ठीक है, इस तरीके से आपने फिल्टर लगवाया तो यहाँ पे जो भी पानी जाएगा वो सारा का सारा फिल्टर होके जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए छोटा क्षेत्र है किसान भाई का और उसका पानी उन्होंने यहीं से निकाला है, अभी यह क्षेत्र को जो पानी जाएगा वो तो फिल्टर के पहले जाएगा, फिर वो पानी साफ कैसे होगा? तो उस हिसाब में एक तो फिल्टर यही उसके पहले लगवाना चाहिए या ये पाइपलाइन पे अलग और एक फिल्टर लगवाना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज आपको बतानी थी कि कई बार ऐसा हो जाता है कि फिल्टर सिर्फ लगवाना है नहीं, आपने हो सके तो मेन पाइपलाइन पे पहले एक फिल्टर लगवा दीजिए, मतलब उसके बाद जहां पे भी पानी जाएगा वो साफ होके ही जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं हो सकता है तो फिर दो फिल्टर लगवाइए। और जैसे कि मैंने कई वीडियो में बताया कि फिल्टर के अलग अलग प्रकार आते हैं, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा, जितने भी हमारे फिल्टर के बारे में वीडियो है आप वो देख लेंगे तो ड्रिप इरिगेशन में कितने प्रकार के फिल्टर है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और एक बहुत जरूरी चीज यह वीडियो में भी बताना चाहूंगा कि फिल्टर कितने इंची का लगवाना चाहिए। तो देखिए, आपका पाइपलाइन अगर 2.5 इंची है, ठीक है, तो आपने 3 इंची फिल्टर लगवाया, 2.5 इंची लगवाया तो चलेगा, लेकिन 2 इंची नहीं चलेगा। मतलब आपका जो भी फिल्टर पाइपलाइन है वो पाइपलाइन का डायमीटर का फिल्टर या उससे बड़ा डायमीटर का फिल्टर आप लगवा सकते हो, लेकिन उससे छोटा नहीं लगवा सकते। एक हो गया ये साधारण से तरीका। दूसरा एक तरीका है कि आपको गिनना पड़ेगा कि आपका पाइपलाइन में से कितना पानी आ रहा है और वो पानी के हिसाब से आपको कौन सा फिल्टर मतलब अवेलेबल हो रहा है। मतलब मान लीजिए कि एक घंटे में ये पाइपलाइन में से 30,000 लीटर पानी मिल रहा है, अभी आपका पाइपलाइन 2.5 इंची है, तो 2.5 इंची में हमारे करब हीरा एग्रो इंडस्ट्री में दो प्रकार के मॉडल है, एक 25,000 वाला है, एक 40,000 वाला है। 25,000 वाला हम बेचते कभी नहीं है क्योंकि उसमें रेट में ज्यादा फर्क नहीं, तो हम 40,000 वाला ही दे देते। तो उस समय फिर ये किसान भाई ने 40,000 वाला मॉडल लेना चाहिए क्योंकि 25,000 वाला उनको छोटा हो जाएगा। तो इस हिसाब से उनको ये दूसरा तरीका है। तो इस हिसाब से अगर किसान भाई फिल्टर लगवाएंगे तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और उनका ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छे से चलेगा। देखिए, कई किसान भाई क्या बोलते हैं कि मतलब बहुत ऐसे रहते हैं कि जिनको टेम्पररी ड्रिप लगवानी रहती है, कोई और किसान भाई का खेत लिया रहता है सिर्फ कुछ समय के लिए, तो बोलते हैं हमको खर्चा ज्यादा नहीं करना है। तो मैं वो किसान भाई को बोलूंगा कि आपको ड्रिप सस्ती लगवानी है लगवाइए, लेकिन फिल्टर अच्छा लगवाइए, क्योंकि ड्रिप हो सकता है कि आप 4 साल 5 साल बदला दे, लेकिन फिल्टर आपको 10-15 साल साथ देता है और फिल्टर ही पूरे ड्रिप का आयु तय करता है। क्योंकि अगर फिल्टर नहीं होगा तो सब गंदगी अंदर जाएगी। और मैंने वो भी एक बताया हुआ है कि ड्रिप इरिगेशन में बूंद बूंद पानी ही क्यों गिरता है, क्योंकि उसमें ड्रिपर रहता है। वो वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और ऊपर यहाँ आई बटन में भी दे दूंगा, वहां से वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ड्रिप इरिगेशन में फिल्टर का क्या महत्व है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि जो भी विषय मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपको समझ गया होगा और आपको फिल्टर कहाँ लगवाना ड्रिप इरिगेशन में इसके बारे में जानकारी मिली होंगी। तो इसी के साथ यह वीडियो हम खत्म करते हैं और मैं सभी किसान भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा एक कॉल सेंटर है जो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक चालू रहता है। अगर आपके मन में मतलब कुछ और सवाल है इसके बारे में, आपको तुरंत जानकारी चाहिए, तो आप वो नंबर पर कॉल करके हमारे इंजीनियर से बात कर सकते हैं। और अगर मेरे से ही जवाब चाहिए तो आपके मन में जो भी सवाल है वो कमेंट में पूछिए, उसका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।